यह
पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यप, जो वहाँ के मिश्र प्रभु थे। एकलव्य को धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी और उसे हमेशा से ही वह विद्या सीखने की चाहत थी और उसे गुरु द्रोणाचार्य जी से ही सीखने था। उसने उसके पिताजी से जाकर पूछा, प्रणाम पिताजी, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं गुरुकुल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य जी से सीखूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वह विद्या प्राप्त कर सकूं। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ ही होगा। जाओ और सीख कर बड़े धनुर्धरी बनो, हमेशा खुश रहो। फिर एकलव्य निकला गुरु द्रोणाचार्य जी की गुरुकुल की ओर। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन? आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? गुरुजी, मैं एकलव्य निषद ब्रह्मों की हिरण्यधनु का बेटा। मैंने आपको मेरी जिंदगी भर गुरु माना है और मेरी इच्छा है कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। क्या आप मुझे आपके गुरुकुल में प्रवेश दे सकते हो क्या? क्या क्या कहा तुमने? तुमको इतना भी नहीं पता कि वो सिर्फ चारी जाति के ही परिवार को शिक्षण दे सकते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे शूद्र जाति। अर्जुन सही बोल रहा है, मैं ऐसे सभी को नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं एक शाही परिवार का गुरु हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं सिखा सकता। His determination to learn actually grew stronger after this incident. Next day, he found a quiet place in forest. एकलव्य ने वहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और हर दिन उस मूर्ति के सामने अभ्यास शुरू किया। बहुत साल बाद एक दिन जब वह अभ्यास कर रहा था, तब उसने कुत्ते की आवाज सुनी। वह बार बार भौंक रहा था, जिससे एकलव्य अपना अभ्यास नहीं कर पा रहा था। फिर उसने कुछ पूछा, उसने सही बाण चलाई और उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया ताकि वो वैसे ना कोई भी बाण उसे ना लगे, यह भी उसने ध्यान रखा। कुत्ता उसी हालत में जंगल में घूमने लगा और गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जा पहुंचा। सभी लोग उस कुत्ते को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये किसने किया? ये सिर्फ वही कर सकता है जो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ हो। गुरु द्रोणाचार्य और पांडव ढूंढने निकले जंगल की ओर और उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या अभ्यास करते हुए देखा। तुम एक बहुत बड़े धनुर्धर हो, कौन है तुम्हारा गुरु? आप गुरुजी, आप मेरे गुरु। गुरुजी, आप मुझे शायद भूल गए हो। मैं एक बार आपकी गुरुकुल में आया था पर आपने मुझे मना कर दिया कि आप मुझे नहीं सिखा पाओगे और उसी दिन से मैं आपकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर रोज अभ्यास करता था। मैं कैसे हो सकता? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया। द्रोणाचार्य वॉज शॉक टू हियर। एट द सेम टाइम ही वॉज प्राउड टू। ही न्यू दैट एकलव्य हैड द स्किल टू सरपास अर्जुन एज द बेस्ट आर्चर इजीली। खैर, ऐसा है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी मेरी शिक्षण का तोहफा, क्योंकि कोई भी शिक्षण गुरु दक्षिणा के बिना व्यर्थ है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। कृपया मुझे बताइए कि मैं आपको क्या दूँ? तुम्हें मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा देना होगा। मेरे गुरुजी, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सिखाया। ये लीजिए मेरी गुरु दक्षिणा, स्वीकार कीजिए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एक बहुत बड़े धनुर्धर बनोगे और तुम्हें हमेशा श्रेष्ठ शिष्य का दर्जा दिया जाएगा। This short story of Eklavya's life teaches children to be respectful of the teachers. The story shows how sacred guru-shishya equation is and teaches us respect towards the guru. Thank you.
Yes, can anyone come forward and just tell us what is the moral of the story? No one? Okay, that's okay. So students, we learn that we will never be able to repay our teachers for their invaluable knowledge they have given us. But we should always respect them. In the story, Eklavya immediately presented his right thumb to Guru Dronacharya because he knew the knowledge he had given him was priceless and could never be matched by anything else. We also learn self-discovery and self-learning, and also concentration is the key to success. So dear students, always focus on your goals. Concentrate, discover yourself, and also respect and obey your teachers. Your parents are your first gurus. So love, respect, and obey your parents as well. Students, if you follow all these things, this will be a true Guru Dakshina to your parents and teachers. So here we will wind up this short celebration. I would like to thank Principal Sir and Principal Ma'am for gracing this event with their presence. I also thank everyone involved in this celebration for their seamless efforts and for making this celebration happen a great success. So thank you everyone. Thanks a lot.